आज गुल्ली बुल्ली और शॉन शॉन की छोटी बहन चिंकी को मेला ले जाने वाले हैं। गुल्ली शॉन और चिंकी जीप में बैठे हुए हैं और फिर गुल्ली आकर जीप पे बैठता है। गुल्ली जीप स्टार्ट करता है और जीप लेकर मेले की ओर जाने लगता है। मेला गुल्ली बुल्ली के घर से थोड़ी दूरी पर ही लगा है। गुल्ली बुल्ली शॉन और चिंकी जीप पे बैठकर जंगल वाले रास्ते से मेले की ओर जा रहे थे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि इस जंगल में जेसन का राज है और जेसन यहाँ रहता है। जेसन उन लोगों को इस रास्ते से गुजरते हुए देख लेता है और ये देखकर जेसन तुरंत इविल नन को कॉल लगा देता है। इविल नन की दुश्मनी गुल्ली बुल्ली और शॉन से तो पहले से ही है, इसलिए इविल नन इन लोगों को मारना चाहती है और इविल नन जेसन से कहती है, मैं बस थोड़ी ही देर में वहाँ आ रही हूँ। और इविल नन दौड़ के जेसन के जंगल में जाने लगती है। गुल्ली बुल्ली और शॉन चिंकी को लेकर मेले में पहुंच जाते हैं। वो लोग मेले में बहुत देर तक घूमते हैं और शॉन चिंकी को एक गुब्बारा खरीद कर दे देता है और अब ये लोग वापस घर जा रहे हैं। सभी लोग आकर जीप पे बैठते हैं। लोग उसी जंगल वाले रास्ते से घर जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि जेसन और इविल नन इसी जंगल में इन लोगों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो लोग इन्हें मार सके। इविल नन और जेसन पेड़ के पीछे खड़े होकर उनके आने का इंतजार कर रहे थे और इन्होंने सड़क पे लोहे की कील बिछा दी है ताकि गुल्ली बुल्ली यहाँ से जैसे ही गुजरे उनका टायर पंचर हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी से नीचे उतरते हैं और चिंकी गाड़ी में ही बैठी रहती है। ये तीनों गाड़ी से नीचे उतरकर टायर को देखने लगते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि ये चाल जेसन और इविल नन की है। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा को कॉल लगा रहे हैं, लेकिन इधर जेसन चिंकी को पकड़ने जीप के पीछे छुपा हुआ है और जेसन तुरंत टाइम पाकर चिंकी को पकड़ लेता है। जेसन चिंकी को उठाकर जंगल में भाग जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन को अंदाजा भी नहीं कि जेसन ने चिंकी को किडनैप कर लिया है। थोड़ी देर बाद शॉन की नजर दोबारा से जीप पे जाती है, लेकिन वो देखता है चिंकी तो जीप पे है ही नहीं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन परेशान हो जाते हैं और सभी लोग चिंकी को आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिंकी उन्हें कहीं नहीं दिखाई दे रही। गुल्ली बाबा को कॉल लगाता है और बाबा को सारी बात बताता है। बाबा गुल्ली से कहते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बस बादल पे बैठ के 2 मिनट में वहां पहुंचता हूं। गुल्ली बुल्ली और शॉन चिंकी को जंगल में ढूंढ ही रहे थे तभी बाबा वहां बादल पे बैठकर पहुंच जाते हैं। इस जंगल को देखकर समझ जाते हैं कि ये जंगल जेसन का है और ये बात बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी बताते हैं। बाबा कहते हैं, हो ना हो ये काम जेसन का ही है, रुको मैं अपने जादुई गोले से चिंकी का पता लगाता हूँ। बाबा अपने जादुई गोले से कहते हैं, ए जादुई गोले मुझे चिंकी का पता बता दे। और फिर जादुई गोला चमकने लगता है और उसमें सभी लोगों को चिंकी दिखाई देती है। उन्होंने देखा चिंकी तो एक पिंजरे में बंद है और उसके अगल बगल जेसन और इविल नन कुर्सी पे बैठे हुए हैं। बाबा कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना ये काम जेसन का ही है, चलो हमें जल्दी चिंकी को बचाना होगा, सभी लोग बादल पे बैठ जाओ। बाबा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा बादल पे बैठ जाते हैं और बाबा बादल से कहते हैं, बादल चिंकी जहाँ भी हो हमें वहाँ ले चलो। और फिर बादल उड़ता है और सभी लोगों को जंगल के और भी अंदर ले जाने लगता है। बादल सभी लोगों को चिंकी के पते पे लाता है। लगता है ये जेसन का घर है और इविल नन और जेसन घर के बाहर बैठे हुए हैं और थोड़ी ही दूरी पर चिंकी पिंजरे में बंद है, लेकिन जेसन और इविल नन को पता नहीं है कि इनके सर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि बाबा यहाँ आ चुके हैं और अब बाबा उन्हें छोड़ने नहीं वाले।
बाबा जैसे ही उन दोनों पे अपनी जादुई छड़ी से हमला करने वाले होते हैं, तभी बाबा को दिखता है वहाँ पे तो रॉड भी है। ये रॉड यहाँ क्या कर रहा है? ये देखकर बाबा अपना हमला रोक देते हैं। लगता है रॉड भी जेसन और इविलन से मिला हुआ है। लेकिन फिर बाबा को दिखता है रॉड की आंखें लाल लाल चमक रही है, और ये देखते ही बाबा समझ जाते हैं इविलन ने रॉड को अपने वश में किया हुआ है। बाबा ये बात गुल्ली बुल्ली और शोन को भी बताते हैं। गुल्ली बुल्ली और शोन को भी ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा। बाबा कहते हैं रॉड अभी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए हमें जो भी कदम उठाना होगा सोच समझ के उठाना होगा। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे तभी रॉड की नजर बादल पे पड़ जाती है। ये देखते ही रॉड ये बात जेसन और इविलन को बताता है। जेसन और इविलन बादल को देख लेते हैं। आखिरकार ये लोग यहाँ आ ही गए, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। तभी जेसन इविलन से कहता है घबराओ नहीं, मेरे पास इनका इलाज है। और फिर जेसन दौड़ के अपने घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से एक जादुई छड़ी निकाल कर लाता है, और फिर जेसन उस जादुई छड़ी से बादल के ऊपर हमला कर देता है। जेसन का हमला बहुत जोरदार था और गुल्ली बुल्ली और शोन बादल सहित आकर जंगल में गिरते हैं। सभी लोगों को जोरदार चोट आई है। जेसन और रॉड गुल्ली बुल्ली शोन और बाबा के पास आते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा सभी लोग तो बेहोश हो चुके हैं। जेसन इविलन से कहता है इविलन अब सभी लोग बेहोश हो चुके हैं, चलो हम इन्हें भी एक एक कर पिंजरे में डाल देते हैं। ठीक है जेसन। ये लोग सोच रहे हैं जेसन के हमले से सभी लोग बेहोश हो चुके हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि बाबा अभी भी होश में है और बाबा इन पे हमला करने का सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। और बाबा को इन पे हमला करने का यही सही समय लगता है और बाबा पीछे मुड़ते हैं और अपनी जादुई छड़ी से इन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं। बचो इविलन जेसन और रॉड के लाख कोशिश करने के बाद भी बाबा उनके ऊपर हमला कर ही देते हैं और उन लोगों को अपनी जादुई शक्तियों से बेहोश कर देते हैं। उनको मारने के बाद बाबा उठते हैं और गुल्ली बुल्ली और शोन को देखते हैं। इन तीनों में से शोन को बहुत गहरी चोट आई है और अगर शोन का इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो शोन की मौत भी हो सकती है, लेकिन बाबा शोन को अपनी जादुई शक्तियों से ठीक कर सकते हैं और बाबा यही करने की कोशिश करने लगते हैं। बाबा जब शोन को ठीक कर रहे थे तभी अचानक से जेसन को होश आ जाता है। होश में आते ही जेसन ने देखा बाबा का ध्यान उसकी तरफ नहीं है और यही सही मौका है बाबा पे दोबारा हमला करने का। जेसन अपनी जादुई छड़ी उठाता है और उस जादुई छड़ी से बाबा के ऊपर हमला कर देता है। जेसन के हमले से बाबा को बहुत चोट आई है और बाबा शोन का भी इलाज नहीं कर पाए। बाबा को मारकर जेसन इविलन के पास आता है और इविलन को उठाने की कोशिश करता है। इविलन होश में आ जाती है। जेसन इविलन से कहता है इविलन ये बाबा हमारे लिए खतरा बन सकता है, हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। इविलन जेसन से कहती है बाबा को ले जाकर उस पेड़ में बांध दो, और जेसन ऐसा ही करता है। जेसन बाबा को उस पेड़ में बांध देता है। इधर रॉड अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है और अचानक से रॉड को होश आता है, लेकिन रॉड की आंखें तो अब नॉर्मल हो चुकी हैं। लगता है रॉड अब इविल नन की वश से बाहर आ चुका है। रॉड उठता है और अपने आसपास देखता है। रॉड को अब सब समझ में आ चुका है और अब रॉड को जल्दी कुछ करना होगा जिससे वो गुल्ली बुल्ली शोन और बाबा को बचा पाए। रॉड सोचता है अगर वो बाबा को छुड़ा लेगा तो बाबा इन लोगों को मार देंगे। रॉड दौड़ कर जाता है और जेसन को फुटबॉल की तरह मारता है जिससे जेसन थोड़ी दूर जा गिरता है, और रॉड बाबा की रस्सी खोलने लगता है। इधर इविल नन की नजर रॉड पे जाती है और ये देखकर इविल नन अपना चाकू चलाकर रॉड को मारती है। वो चाकू जाकर रॉड के सर में लगता है। चाकू लगते ही रॉड जमीन पे गिर जाता है। जेसन और इविल नन फिर से एक साथ मिलते हैं और जेसन इविल नन से कहता है चलो हम लोग गुल्ली बुल्ली और शोन को भी चिंकी के साथ उसी पिंजरे में बंद कर देते हैं। ठीक है जेसन। गुल्ली बुल्ली और शोन को भी इविल नन और जेसन ने उसी पिंजरे में डाल दिया। गुल्ली बुल्ली शोन चिंकी और बाबा बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। पता नहीं अब ये लोग इनके साथ क्या करेंगे। और फिर जेसन अपनी जादुई छड़ी चलाता है और जमीन में ही एक लावा से भरी नदी बना देता है और इविल नन से कहता है हम लोग इन लोगों को इसी नदी में डाल देंगे। इधर जेसन और इविल नन आपस में बात कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये किसकी कार है? ये कार सीधा आती है और जेसन इविल नन को ठोक कर आगे बढ़ जाती है। इस कार में है कौन?
अरे ये तो रॉड के पिताजी हैं, और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये यहाँ रॉड को बचाने आए हैं। रॉड के पिताजी यहाँ रॉड को ही बचाने आए हैं, लेकिन वहाँ आकर उन्होंने देखा वहाँ तो गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा भी रॉड के साथ मुसीबत में पड़े हुए हैं, और अब रॉड के पिताजी को इन सब की मदद करनी होगी इससे पहले कि इविल नन और जेसन होश में आए। रॉड के पिताजी सबसे पहले रॉड के पास जाते हैं। उन्होंने देखा रॉड के सर में तो एक चाकू घुसा हुआ है। उन्होंने उस चाकू को निकाला और रॉड को लाकर गाड़ी के ऊपर रख दिया। फिर वो बाबा के पास जाते हैं। उन्होंने बाबा को रस्सी से छुड़ाया और बाबा को भी लाकर अपनी गाड़ी के ऊपर रखते हैं। फिर वो दौड़कर पिंजड़े के पास गए। उन्होंने एक एक कर गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी गाड़ी के ऊपर लाकर रख दिया और चिंकी को लेकर गाड़ी में बैठ गए। और अब रॉड के पिताजी इन सभी लोगों को यहाँ से लेकर भागने वाले हैं। और इधर जेसन को होश आ जाता है। जेसन उठता है और ये सारी चीजें देख लेता है। जेसन बहुत गुस्से में लग रहा है। जेसन देखता है कोई गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड को लेकर यहाँ से भाग रहा है, और जेसन दौड़ के उसके गाड़ी के सामने आ जाता है। रॉड के पिताजी ये देखकर डर जाते हैं। अभी एक मुसीबत कम थी कि इविल नन को भी होश आ जाता है। इविल नन भी उठ के गाड़ी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जेसन और इविल नन ने रॉड के फादर की गाड़ी को दोनों तरफ से घेर लिया है, और फिर जेसन ने अपनी जादुई शक्तियों से उस गाड़ी को जमीन के अंदर भेज दिया। जेसन इविल नन के पास आता है। इविल नन, हमने इन लोगों को तो मम्मी के पास भेज दिया, चलो अब हम भी मम्मी के पास चलते हैं। हाँ जेसन, ठीक है, चलो जल्दी चलें। जेसन इविल नन के ऊपर बैठ जाता है और इविल नन उड़ने लगती है। इविल नन जेसन को लेकर मम्मी के पास जा रही है। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा रॉड रॉड के फादर और चिंकी एक दूसरी दुनिया में आकर गिरते हैं। इस दुनिया में कई सारी ममीज रहती है और जेसन ने इन लोगों को ममीज के हवाले कर दिया है। वो लोग जैसे ही दूसरी दुनिया में आते हैं ममीज की नजर उन पे पड़ जाती है और ममीज दौड़कर उन लोगों के पास जाने लगती है। वहां आते ही ममीज ने देखा यहाँ तो कई सारे लोग हैं। अरे वाह, जेसन ने तो कहा था वो हमारे लिए सिर्फ दो शिकारी भेजेगा, उसने तो इतने सारे भेज दिए। इतना कहकर ममीज ने गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा रॉड रॉड के फादर और चिंकी को उठा लिया। सारी ममीज ने मिलकर इन लोगों को और साथ ही साथ इनके सामान को उठा लिया, और अब ममीज इन्हें लेकर कहीं जा रही हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा रॉड रॉड के फादर और चिंकी को तो पता भी नहीं है कि वो लोग किस दुनिया में आ चुके हैं, और ममीज ने उन्हें पकड़ रखा है। ममीज गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा रॉड रॉड के फादर और चिंकी को लेकर किसी गुफा के अंदर जा रही हैं। ममीज उस गुफा से होकर एक दूसरी जगह पर आ जाती हैं। यहाँ तो एक लकड़ी का पुल भी है, और ये लकड़ी का पुल लावा की नदी के ऊपर से होकर जाता है। ममीज पुल से लावा की नदी पार कर दूसरी तरफ आ जाती है, और वो लोग इस पिरामिड के अंदर जाने लगती हैं। ममीज को पिरामिड के अंदर जाते ही पिरामिड के ऊपर लगे स्टैचू ने लेजर से उस लकड़ी के पुल को तोड़ दिया। अब यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौट सकता। ममीज इन लोगों को लेकर अपने क्वीन के पास आते हैं। क्वीन ममी, जेसन ने दो इंसानों के बदले इतने सारे इंसान भेज दिए, अब तो हम कई सारे इंसानों की बलि दे पाएंगे और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। जेसन ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, चलो सबको उस पिलर में बांध दो। क्वीन ममी की बात सुनकर ममीज ने गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा रॉड रॉड के फादर और चिंकी को पिलर में बांध दिया। इधर जेसन और इविल नन भी ममी की दुनिया में पहुंच जाते हैं, और वो लोग उस पिरामिड के अंदर आते हैं। जेसन इविल नन से नीचे उतरता है और ममी से कहता है, तुमने सिर्फ दो इंसान मांगा था, मैंने बदले में तुम्हें सात इंसान दे दिए, चलो जल्दी से मेरा इनाम निकालो। तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी मदद करानी होगी इनकी बलि देने में। हमें मॉन्स्टर को बुलाकर लाना होगा जो इनकी बलि देगा। चलो हम इनकी ही गाड़ी से मॉन्स्टर को लेकर आते हैं। इतना कहकर जेसन इविल नन और सारी ममीज कार पे सवार हो गई, और ये लोग मॉन्स्टर को लाने जाने लगे। इधर
पर सभी लोग अभी भी बेहोश पड़े हुए हैं। तभी अचानक से बाबा को होश आ जाता है। होश में आते ही बाबा ने देखा कि सभी लोग तो एक अनजान सी जगह पे रस्सी से बंधे हुए हैं। बाबा ने उस रस्सी को खोला और रॉड को भी होश में लाया। बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग किस जगह पर हैं। बाबा रॉड से कहते हैं हमें सबको छुड़ाना होगा और इस अजीब सी जगह से बाहर निकलना होगा। इन्हें बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। ये तो मम्मी इविल नन और जेसन है और ये लोग मॉन्स्टर को लेकर वापस आ रहे हैं। वो लोग गाड़ी से मॉन्स्टर को लेकर पिरामिड के अंदर आते हैं। मॉन्स्टर गाड़ी से नीचे उतरता है। समय रहते बाबा और रॉड उनकी नजरों से छिप गए थे। रॉड ने बाबा से कहा, बाबा यहाँ तो मॉन्स्टर और कई सारी मम्मीज हैं। बाबा रॉड से कहते हैं, रॉड हमें कैसे भी कर गुल्ली बुल्ली शॉन चिंकी और तुम्हारे फादर को उन मॉन्स्टरों और मम्मियों से बचाना होगा। ओ शैतान मॉन्स्टर, इधर देख, तेरी मौत इधर खड़ी है। मैं तुझे जेसन इविल नन और इन सारी मम्मियों को एक साथ मारूंगा। बाबा की बात सुनकर मॉन्स्टर बाबा की तरफ देखता है। मॉन्स्टर अब तुम नहीं बचोगे क्योंकि मैं अब तुम्हारी धुलाई करने वाला हूँ। मॉन्स्टर को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। मॉन्स्टर ने बाबा को मार दिया है और अब मॉन्स्टर रॉड को भी मारने जा रहा है। रॉड अब तुम नहीं बचोगे। मॉन्स्टर जैसे ही रॉड को मारने जाता है तभी इविल नन मॉन्स्टर से कहती है, रुक जाओ मॉन्स्टर, हम लोग रॉड को मिलकर अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। हम लोग रॉड को मॉन्स्टर रॉड बना सकते हैं। सभी लोग मिलकर रॉड को मॉन्स्टर रॉड बना रहे हैं। मॉन्स्टर ने रॉड को पकड़ रखा है और इविल नन अपनी जादुई शक्तियों से रॉड को मॉन्स्टर रॉड बना रही है और आखिरकार इविल नन ने रॉड को मॉन्स्टर रॉड बना दिया है। मम्मी इविल नन जेसन और मॉन्स्टर से कहती है, चलो हमें जल्दी इन लोगों की बलि देनी होगी। ठीक है मम्मी, चलो इनकी बलि देते हैं। इविल नन जेसन और मॉन्स्टर ने मिलकर गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा रॉड के फादर और चिंकी को बलि देने के लिए तैयार कर लिया है और अब थोड़ी ही देर में मॉन्स्टर इनकी बलि देने वाला है। बलि देने के लिए मॉन्स्टर जैसे ही आगे बढ़ता है तभी बाबा को होश आ जाता है। बाबा तुरंत एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। मॉन्स्टर का चाकू तो बाबा पे काम ही नहीं कर रहा। लगता है बाबा की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए मॉन्स्टर बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। बाबा अपनी शक्तियों से मॉन्स्टर को जला देते हैं। लेकिन बाबा बलि को भी घुमा घुमा कर दूर फेंक देते हैं। बाबा एक एक कर सारी मम्मीज को मार देते हैं। ये देखकर जेसन और इविल नन बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। बाबा की नज़र उन लोगों पे पड़ जाती है। रुक जाओ जेसन और इविल नन, तुम लोग यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते। जेसन और इविल नन वहाँ से उड़कर भाग रहे हैं। तभी बाबा अपनी शक्तियों से उन दोनों को भी जला देते हैं और अब बाबा का मुकाबला मॉन्स्टर रॉड से होने वाला है। मॉन्स्टर रॉड ने बाबा को मार दिया है। मॉन्स्टर रॉड चाकू उठा लेता है और अब मॉन्स्टर रॉड इन लोगों की बलि खुद ही देगा। अरे वाह, बाबा ने तो अपनी जादुई शक्तियों से मॉन्स्टर रॉड को भी मार दिया। चोट लगते ही मॉन्स्टर रॉड दोबारा से अच्छा वाला रॉड बन जाता है। बाबा रॉड के पास आते हैं और उससे कहते हैं, हमें गुल्ली बुल्ली शॉन तुम्हारे फादर और चिंकी को बचाना होगा। फिर इन्होंने गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड के फादर और चिंकी को छुड़ाया। बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड रॉड के फादर और चिंकी से कहते हैं, अब हमें यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन इधर जेसन को होश आ जाता है। बाबा वो देखो, जेसन उठ गया है। गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड रॉड के फादर और चिंकी, मैं तुम लोगों के ऊपर एक सुरक्षा का वच बना देता हूँ ताकि जेसन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। बाबा अपनी जादुई शक्तियों से सभी लोगों के ऊपर एक सुरक्षा का वच बना देते हैं। ये
जेसन ने बाबा को मार दिया है, लगता है मुझे बाबा की मदद करने जाना होगा। गुल्ली सुरक्षा कवच से बाहर निकल जाता है और गुल्ली जेसन से कहता है, जेसन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेसन ये सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। अरे ये क्या, जेसन ने तो गुल्ली को भी मार दिया। और अब जेसन गुल्ली शॉन रॉड के फादर और चिंकी को मारने उन लोगों के पास जा रहा है। जेसन जैसे ही सुरक्षा कवच को छूता है, जेसन को बहुत जोर से करंट लगता है और जेसन दूर जा गिरता है। ये सुरक्षा कवच किसने बनाया? अरे वाह, बाबा तो होश में आ चुके हैं। जेसन बाबा को होश में देखकर भड़क जाता है। जेसन उठता है और अपनी तलवार बुला लेता है। इन छोटे मोटे हथियारों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। हिम्मत है तो पास आके दिखा बुड्ढे, मैं तुझे बहुत मारूंगा। बाबा ये सुनकर भड़क जाते हैं और बाबा दौड़कर जेसन को मारने जाने लगते हैं। बाबा ने तो जेसन को धूल चटा दिया है और फिर बाबा जेसन को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। इधर गुल्ली भी उठ जाता है। बाबा गुल्ली के पास आते हैं और उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें कवच के अंदर रहने को कहा था, फिर तुम बाहर क्यों आ गए? गुल्ली ने कहा, बाबा मैं आपको बचाने आया था। चलो कोई बात नहीं, अब हम सब घर चलते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा हम घर जाएंगे कैसे, हमें तो पता भी नहीं है हम कहाँ हैं। बाबा कहते हैं, मेरे पीछे आओ। सभी लोग पिरामिड से बाहर निकलते हैं। बाबा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सभी के ऊपर एक जादुई गोला बना देते हैं। उन लोगों ने लावा से भरी नदी को पार किया और गुफा के रास्ते मम्मी की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। बाबा ने वहां बादल को बुलाया। सभी लोग बादल पे बैठते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दें।